नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान इकट्ठा हुए और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान तमाम किसान नेता वहां पर मौजूद रहे, साथ ही साथ किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनको याद किया गया और साथ ही साथ ऐसा दावा किया गया कि जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए अभूतपूर्व काम किए, तो रुड़की के गुरुकुल नारसेन के राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि में लोग शामिल हुए। सभी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने फूलमाला अर्पित की और चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में आज हम सभी भाइयों ने, पदाधिकारीगण, सभी समाज के कार्यकर्तागण सब ने मिलकर चौधरी साहब की 37वीं पुण्यतिथि पर फूल माला अर्पण किया। चौधरी साहब ने जो किसानों के लिए हमेशा जो तत्पर रहे और उन्होंने हमेशा पूरा जीवन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए उन्हें जो आज सम्मान के तौर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो आज उन्हें सम्मान देकर समस्त किसानों का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमी चौधरी साहब हमारे किसानों के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान परिवार से सर्वप्रथम यही बने हैं। उन्होंने किसानों को भूमि का हक दिलाया। चौधरी कहना जवाहरलाल नेहरू जी सहकारी खेती के पक्षधर थे, लेकिन चौधरी साहब ने संसद में 1 घंटा 40 मिनट बहस की, उसके उपरांत सहकारी खेती जो निरस्त कर दी गई और भूमि का हक किसानों को दिलाया गया, ये सबसे बड़ा काम चौधरी साहब का था। मैं जफरुद्दीन यहाँ करतार सिंह भड़ाना की तरफ से यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर आज मैं चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि में 37वीं पुण्यतिथि में शामिल हुआ। करतार सिंह भड़ाना की तरफ से मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे देश हित के पुण्यतिथि में शामिल हुआ जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, आज उस शख्स को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ, करतार सिंह भड़ाना की तरफ से नमन करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में उद्गम स्थल का संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, साथ ही साथ सीवरेज और उद्गम स्थल में डाली जा रही गंदगी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। IIHDH बिल्डिंग के पास बायोमेथेन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया है। तो मसूरी में रिस्पन नदी के उद्गम स्थल पर डाले जा रहे सीवरेज और कचरे की खबर को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून द्वारा SDM मसूरी के नेतृत्व में टीम का गठन कर रिस्पना नदी के उद्गम स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। बुधवार को SDM मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के निर्देश पर जल संस्थान, जल निगम एवं नगर पालिका परिषद मसूरी की संयुक्त टीम ने मोसीफोल कैचमेंट एरिया का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। टीम द्वारा लंडोर साउथ में जल निगम द्वारा संचालित STP के होने वाले रिसाव भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान STP से निकलने वाले एफ्लुएंट के भी नमूने जाँच के लिए भेजे गए। नगर पालिका के साथ उसके साथ पेयजल निगम और रविंद से हमारी नॉर्थ संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित थी। इसके अलावा हमने उड़ीसा स्कूल और एलएम स्कूल को भी संयुक्त निरीक्षण के लिए बुलाया था। सारे विभागों ने मिलकर मौसी फॉल से लेकर के और जहाँ पर STP प्लांट है वहाँ तक पैदल पैदल मौसी फॉल में आज जो हमारी लैब की टीमें थी उनको हमने साथ में बुलाया था। मौसी फॉल के कैचमेंट में हमने 8-10 जगह से सैंपल भरे हैं, इसमें STP का सैंपल भी है। हम लोग नगर पालिका के साथ उसके साथ पेयजल निगम और रविंद से हमारी नॉर्थ से संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित थी। इसके अलावा हमने उड़ीसा स्कूल और एलएम स्कूल को भी संयुक्त निरीक्षण के लिए बुलाया था। सारे विभागों ने मिलकर मौसी फॉल से लेकर के और जहाँ पर STP प्लांट है वहाँ तक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की से खबर है जहाँ 42 वर्षीय युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतारा गया है। हत्या करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। तोटांडा भनेड़ा ग्राम में पुरानी रंजिश के चलते 42 वर्षीय अनीश को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिवारजनों द्वारा हत्या करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की गई थी। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसमें इस पक्ष को पूरा पूरा न्याय मिलना चाहिए। सरकार से ये गुहार है, बस और कुछ नहीं। झगड़ा बनाता है जी, बच्चों बच्चों में
एक ही यहाँ छाती पर मार रखी और यहाँ लगी हुई पैर पर, वो तो केला था जी, केले को आके मारा। कितनी उम्र थी इसकी? 40-42 साल की उम्र है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 6 हैं जी इसके। सबसे छोटा कितने साल का? ऐसा होगा 10-11 साल का। पुलिस अभी तो कुछ नहीं हुआ है जी। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसमें इस पक्ष को पूरा न्याय मिलना चाहिए, सरकार से एक गुहार है बस और कुछ नहीं। झगड़ा बनाता जी बच्चों में, एक ही यहाँ छाती पे मार रखी और यहाँ लगी हुई पैर पर, वो तो केला था जी। ट्राउट मछली लगातार स्वरोजगार का अवसर बन रही है, युवाओं में लगातार क्रेज देखा जा रहा है, युवाओं के आय का साधन बनती जा रही है ट्राउट मछली। ट्राउट मछली औषधीय गुणों से भरपूर है, ट्राउट मछली 600 रुपये किलो तक बिक रही है। वर्ग 2017 में इस समिति का गठन किया था 2017 में, और हम यहाँ पर हमने जब 2017 में समिति का गठन हुआ था 11 मेंबर जोड़े थे, अभी वर्तमान समय में यहाँ पर 14-15 मेंबर और जुड़ बन गए हैं, और हमारा पर साल का लगभग 2 से 2.5 लाख का टर्न ओवर है। सेक्टर पे अभी वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो चुका है, जिसमें 40% सब्सिडी डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, 60% हम लोगों ने अपना व्यक्तिगत खर्चा किया है। अभी समिति के मुनाफे में भी चल रही है, लगभग साल का 2-2.5 लाख। वर्ग 2017 में इस समिति का गठन किया था 2017 में, और हम यहाँ पर हमने जब 2017 में समिति का गठन हुआ था 11 में। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ABC स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। We'll be right back.